हेलो दोस्तों, आज हम एगलेस मेयोनीज़ घर पर बनाएंगे, वो भी एक नहीं दो तरीके से। घर पर मेयोनीज़ बनाना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपने एक बार बना लिया ना, तो आप घर पर ही बार बार बनाना पसंद करेंगे। आप ये देखिए, इसकी थिकनेस देखिए, इसकी शाइनिंग देखिए, और बहुत ही क्रीमी परफेक्ट ये मेयोनीज़ बनकर तैयार हुआ है। दोनों ही मेयोनीज़ एकदम परफेक्ट है। इस मेयोनीज़ से फिर हम अलग अलग फ्लेवर में मेयोनीज़ बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर है ऑयल, दूध है, दूध को हमने फ्रीजर में डाल दिया था क्योंकि दूध हमारा गर्म था। अगर आपके फ्रिज में 6 से 7 घंटा पहले का दूध रखा हुआ है तो आप वही इस्तेमाल करिए। ये देखिए, ये हल्का हल्का सा ना ऊपर आइस क्रिस्टल्स बनने वाले थे जब ही मैंने इनको निकाल लिया है। और अब हम मेजर करके ले लेते हैं 1/2 कप दूध इसके अंदर से। तो पहला जो मेयोनीज़ है दोस्तों, वो हम बनाएंगे मिक्सर जार में। तो ये 1/2 कप दूध हम डाल देते हैं मिक्सर जार के अंदर, और इसी कप से हम नाप करके ले लेंगे अनफ्लेवर्ड कुकिंग ऑयल 1/2 कप। अगर आपको ऑलिव ऑयल से बनाना है दोस्तों, तो आप उससे बना सकते हैं, बाकी आप जो है ना अनफ्लेवर्ड ऑयल कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए, 1/2 कप हमने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है, और अब हम इसके अंदर पिसी हुई चीनी, नमक डाल करके इसको फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 मिनट लगता है दोस्तों, मेयोनीज़ बनकर रेडी हो जाती है। तो स्टार्ट में आपको थोड़ा सा ना पल्स मोड पर मिक्सर जो है वो चलाना है। स्टार्टिंग में अगर आपने कंटिन्यू मिक्सर चला दिया तो आपका मेयोनीज़ जो है ना वो स्प्लिट हो सकता है, क्योंकि अचानक से उसको हीट मिल जाएगी। तो जैसे ये थिक होना शुरू हो जाएगा, फिर हम इसको 10 से 15 सेकेंड के लिए कंटिन्यू चलाएँगे, और अब हम इसको खोल करके देखेंगे कि क्या ये थिक होना शुरू हो गई है, स्टेबल होना शुरू हो गई है। ठंडा दूध और ऑयल मिल करके दोस्तों इमल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है और वो मेयोनीज़ बन जाती है। तो ये देखिए, ये थिक होना शुरू हो गई है, बट अभी ये स्टेबल नहीं हुई है, ये देखिए। तो इसके अंदर अब कुकिंग ऑयल और जाएगा। तो 1/4 कप ऑयल जो है ना वो मैं और ऐड कर रही हूँ। अच्छा, कभी कभी 1/4 कप और 1/2 कप लेने में ये अच्छी परफेक्ट रेडी हो जाती है, कभी कभी ये थोड़ा पतली रहती है, तो वो आपको थिकनेस जो है ना उसकी खुद ही चेक करना होगा दोस्तों। मैं आगे आपको बताती हूँ। थोड़ा मैंने इनको और चर्न कर लेना है और खोल करके मुझे अब देख लेना है कि क्या ये परफेक्ट है। तो ये देखिए, बहुत जल्दी से ये नीचे जा रही है, तो ये इसकी पहचान है कि ये अभी मिक्स नहीं हुई है। थिकनेस आप देख रहे हैं, अभी बहुत थिक लग रहा है। जैसे ही मैं इसको चलाऊँगी तो ये थोड़ा सा और पतला हो जाएगा। बस आपको यही चीज़ें आपको समझना है और आप बहुत ही आसानी से घर पर मेयोनीज़ बना पाएंगे। ये देखिए, अब ये बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों। ये जब फ्रिज में आप रखेंगे ना 1-2 दिन, तो ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। मेरे लिए इसकी थिकनेस एकदम परफेक्ट है। आपको थोड़ा अगर और थिक चाहिए तो आप इस जगह पर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून विनेगर डाला और इसको हम वापस चर्न करके ले लेते हैं। बस ये देखिए, एकदम क्रीमी हमारा मेयोनीज़ रेडी हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में, और आपको थिकनेस यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी। ये देखिए, एकदम परफेक्ट है। लेकिन मैं इसको कल बनाऊंगी क्योंकि ज़्यादा मेयोनीज़ हो जाएगी मेरे पास, तो आधी आज यूज़ करूँगी आधी कल, तो इसलिए ये थोड़ा थिक हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, एकदम परफेक्ट मेयोनीज़ रेडी हुई है। विदाउट केमिकल इतना परफेक्ट मेयोनीज़ घर में बन जाए दोस्तों, तो फिर बाज़ार से लाने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए जी, दूसरा मेयोनीज़ हमारा बनेगा इस हैंड ब्लेंडर से या फिर स्टिक ब्लेंडर से बनेगा। इसमें मेयोनीज़ थोड़ा सा जल्दी बन जाता है, बस और कोई बात नहीं है। तो हमने इस बार क्वांटिटी थोड़ा कम लिया है। 1/4 कप मैंने दूध लिया है और 1/4 कप मैं इसके अंदर अभी ऑयल जो है वो ऐड कर रही हूँ। शुगर ऐड करेंगे और नमक, और यहीं पर हम विनेगर भी ऐड कर देंगे। और अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं ब्लेंडर स्टार्ट करूँगी, बस ये फटाफट से थिक होना शुरू हो जाएगी। तो जिसके पास में स्टिक ब्लेंडर है वो इससे बना ले, और जिनके पास में नहीं है वो मिक्सर जार में बना ले। 2-3 मिनट उसके अंदर टाइम ज़्यादा लगेगा, और मिक्सर जार में भी दोस्तों ना ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट लगता है और मेयोनीज़ बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, ये थिक होना बस शुरू हो गई है। जैसे ही इसके अंदर हमने थोड़ा देर चलाया है, ये थिक होने लग गया है। थोड़ा सा हमने ऑयल जो है वो और ऐड किया है 1/4 कप के जितना, और क्वांटिटी कम है इसलिए थोड़ा सा चलाने में दिक्कत आ रही है, बट कोई बात नहीं, ये रेडी हो गया है। अब हम इसको जो है ना एक बाउल में निकाल लेते हैं और आपको इसकी थिकनेस जो है वो दिखाएंगे। ये देखिए, कितनी परफेक्ट मेयोनीज़ हमारी रेडी हुई है। दोनों ही मेयोनीज़ हमारी बहुत अच्छी है। 3 दिन के लिए आप इनको फ्रिज में रख सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। विदाउट केमिकल, बिल्कुल प्योर घर का बना हुआ। ये देखिए, जल्दी आ नहीं रही है ये बाहर क्योंकि क्वांटिटी भी कम है। तो कोई बात नहीं, हम इनको स्पैचुला से खींच कर बाहर लेकर आते हैं। स्पैचुला हर चीज़ को बड़ा ही अच्छे से क्लीन कर देता है। ये देखिए, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, मैंने जो पहले वाली बनाई है ना उससे जस्ट 1/2 रखी है।
चलिए दोस्तों, ये हमारे मेयोनीज रेडी हो गई है। अब हम फटाफट से जो है ना फ्लेवर्ड वाली मेयोनीज बना लेते हैं। ये देखिए, तो इसी में से हम निकाल लेते हैं एक छोटे से प्याल में मेयोनीज 3 टेबल स्पून। तो पहले हम चिपोटले सॉस बनाएंगे। ये चिपोटले सॉस आप किसी भी रोल में या फिर स्पेशली बर्गर में आप डालें, बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो चिली सॉस हमने डाल दिया है और डाल दिया हमने केचप। केचप हमारा होममेड है और हमने ये डाल दिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और इसके अंदर दोस्तों जाएगा ये गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर ही इसके अंदर जाता है और ऑनियन पाउडर भी जाता है। मेरे पास ऑनियन पाउडर है लेकिन अभी ये बारिश में थोड़ा सा हार्ड हो गया है तो इसलिए मैंने नहीं यूज़ किया है। मैंने ओरिगानो डाला और उसके अंदर ब्लैक पेपर, और सारी चीज़ों को हमने मिला देना है। अब अगर आपके पास में गार्लिक पाउडर नहीं है, सारी चीज़ें हैं, तो आप फ्रेश गार्लिक ऐड कर लीजिए, वैसे टेस्ट में थोड़ा फ़र्क आता है। दोस्तों चलिए अब हम बनाते हैं चिली गार्लिक सॉस। तो इसके अंदर जाएगा फ्रेश गार्लिक, मैंने 2 फ्रेश गार्लिक को क्रश करके ले लिया है। सॉल्ट मैंने पहले ही ऐड किया था गार्लिक में ताकि वो काला ना हो, और मैंने यहाँ पर अगेन जो है यूज़ करना है गार्लिक पाउडर। इसके अंदर गार्लिक पाउडर ऑप्शनल है दोस्तों, है तो ऐड कर दीजिए, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और मैंने फ्रेश कोरिएंडर लीव जो है फाइन चॉप करके डाल दिया है, और ये डालेंगे क्रश रेड चिली 1/4 टीस्पून। ये भी मेयोनीज बड़ा ही टेस्टी डिलीशियस लगता है, फ्रेश फ्रेश गार्लिक की स्मेल आती है। दोस्तों और भी 2-4-5 तरीके की जितनी भी होगी ना, मैं आगे लेकर आऊँगी फ्लेवर्ड वाली मेयोनीज। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना भूल जाइएगा। तो मिंट मेयोनीज के लिए सिर्फ 1 टेबल स्पून आपको मिंट चटनी ऐड कर देना है, लेकिन पतली नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। तो जैसे मिंट चटनी बनाते हैं ना, वैसे ही बना करके इसमें ऐड कर देना है। तो ये हमारी सारी मेयोनीज रेडी हो गई है। पहली वाली जो है ये है गार्लिक, फ्रेश गार्लिक क्रश रेड चिल्ली के साथ मिंट, और प्लेन वाली, और ये है चिपोटले मेयोनीज। तो आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।